एक बहुत ही ईमानदार अते सच्ची सुची शख्सियत दे मालक टकसाली आगू अते वीर खालसा दल दे मोढ़ी सरदार करतार सिंह चावला पिछले दिन ही अपने स्वासां दी पूंजी नूं खर्चते हुए परमात्मा दे चरणां विच जा बिरा छे। सरदार करतार सिंह जी दा जन्म पिता सरदार गुरदित सिंह जी दे घर माता पार्वती कौर जी दी कुखों 16 अक्टूबर 1934 नूं लायलपुर पाकिस्तान विखे होया। बचपन तो ही आप जी बहुत ही सुगढ़ सियाने मेहनती अते परमात्मा नाल जुड़े हुए इंसान सन। मुढली सिक्ख्या आप जी ने लायलपुर दे सरकारी हाई स्कूल तो प्राप्त कीती। उपरंत आप जी अपने कामकार विच जुट गए। आप जी दा व्याह सरदारनी जसवंत कौर हुणा नाल होया। व्याह उपरंत आप जी दे घर दो बेटियां अते एक बेटी ने जन्म लिया। आप जी ने अपने बच्चों नूं खूब चंगे संस्कार दिते, पढ़ाया लिखाया अते समाज दा चंगा नागरिक बनाया। अज आप जी दे बच्चे आपो अपने खेतरां विच अपने पिता जी दे नाम नूं उच्चियां चुक रहे हन। 1947 दी भारत पाकिस्तान वंड तों बाद सरदार चावला परिवार समेत अमृतसर आ गए। कुछ समा अमृतसर रहन तों बाद आप जी लुधियाना विखे आके वसे अते अपना कारोबार शुरू कीता। आप जी मास्टर तारा सिंह, संत हरचंद सिंह लंगोवाल ते ठेकेदार सुरजन सिंह दे नेड़ले साथियां विचों एक सन। आप जी धार्मिक प्रवृत्ति दे मालिक सन ते आप जी ने हमेशा ही दीन दुखियां दी सेवा कीती। आप जी ने गुरुद्वारा अकालगढ़ साहिब दे बतौर ट्रस्टी ते माता गुजरी हस्पताल विखे बतौर मुख सेवादार सेवा निभाया। आप जी क्रीमपुरा बाजार दे उगे कारोबारी सन अते क्रीमपुरा बाजार एसोसिएशन दे आप जी लम्मा समा चेयरमैन भी रहे। आप जी वीर खालसा दल दे ऑर्गेनाइजर सन अते शहर विच होण वाले नगर कीर्तना विच आप जी हमेशा ही वध चढ़ के हिस्सा लेंदे सन। सरदार करतार सिंह चावला बहुत ही मिठी बोली दे मालिक सन अते अपनी मिठी बोली नाल हर एक नूं अपनी तरफ खिंचण दी शक्ति आप जी विच मौजूद सी। इस मौके ते समूह संगतां वल्लों परमात्मा जी दे चरणां विच अरदास बेनती करन उपरंत पवित्र दरगाही बाणी तो हुक्मनामा साहिब सरवण कीता गया। गुरु पातशाह दे चरणां धरनां दी अरदास कीती है कि कृपा करो जीवन यात्रा दे दौरान पुन्ना हो जांदे भावें किन्ना के चंगा जीवन होवे पर संसार यात्रा है उन्ना तो त्रुटियां अवश्य रहंदियां हन।
बड़ा अच्छा जीवन व्यतीत करते गए और नगर कीर्तन के बहुत जदों उन्होंने देखते स एक मन में ख्याल आता से कि भाई बचित्र सिंह क्योंकि सिख इतिहास के लिए जिक्र आता है भाई बचित्र सिंह बहुत छोटे करते सन और सपोटी बड़ी सी ते इन्हां नूं भी जदों वेखना तो इतिहास के कुछ पन्ने सामने आ जाते जिस वक्त मस्त हाथी के नाल जंग लड़नी थी महाराज ने सेवा दी दुनी चंद दुनी चंद वो रात को खत टप के देख लग गया महाराज ने संता सिख कह लगे महाराज दुनी चंद चला गया महाराज मस्त हाथी नाल लड़ना कोई भी सिख लड़ लगेगा एक बार कला दुनी चंद से कल है नहीं भाई बचित्र सिंह के मन में ख्याल से भी मेरा तो नंबर ही नहीं आ सकता क्योंकि मैं तो कल का छोटा वहां ते वड़े जेड़े लंबे कट वाले सिख ने उन्होंने वारी आए कि उन्होंने महाराज सेवा बख्शन के महाराज कह लगे पर मस्त हाथी नाल जंग लड़ने की कड़ी गल है भाई बचित्र सिंह ही लड़ लवेगा निके कट का यही लड़ लवेगा फिर भाई बचित्र सिंह बड़े खुश होए बड़े प्रसन्न होए उस महाराज ने छुट के मैं सेवा दी और जिस वक्त भाई बचित्र सिंह ने नागनी लैके मस्त हाथी जो सामने तू आ रहा है उन्होंने जिस वे नागनी मारी तवे तीर ही हो नागनी जल उन्हें मथे से जाके बजी तो तिवाड़ का होया हाथी जोड़ा है ना वो वापस दुश्मन फौजा को लताड़ता हुआ वापस लौट गया जय जयकार हो गए भाई बचित्र सिंह की जंग जीती गई तो सिख कह लगे भाई बचित्र सिंह कि भाई जिस वे तुम रकाबा से खड़े होए ना थोड़ा जोश बड़ा वेखण वाला तुम नागनी बड़ी जोर नहीं मारी बड़ी जोर की नागनी मारी ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਕਤ ਬੜੀ ਸੀ ਚਿਫਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਣਾ ਨਾਗਨੀ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਜੋਰ ਦੀ ਨਾਗਨੀ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਰਕਾਬਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਵੀਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਐਸਾ ਹੱਥ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਵੇਖਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਬੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਰ ਵਜਾਣੀ ਹੈ ਸਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਵਜਾਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਖਾਲਸਾ ਦਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਜਾਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਬੜੀ ਸਫੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿੱਖ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਰਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਦੋ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪੜਿਆ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਖਾਲਸਾ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿੱਖ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਬਾਹਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤਾਂ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸੰਤ ਮੂਏ ਕਿਆ ਰੋਈ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਸੰਤ ਮੂਏ ਕਿਆ ਰੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸੰਤ ਮੂਏ ਕਿਆ ਰੋਈ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇਡਾ ਸਾ ਪੰਜ ਵਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਪੰਜ ਵਰੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਸੱਜਣ ਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜ ਵਰੇ ਬਾਅਦ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਉਸ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰ ਦੇ ਉਸ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਾਗ ਬਣਾ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਗਰ ਵਸਾ ਦੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਵਰੇ ਲੰਘ ਗਏ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈਏ
अपने परिवार अपने मित्र सज्जन साथियों गुरु नाल जोड़िया जिहड़ा इत्थे भी जीवन सफर कर गया अगे भी परमात्मा की दरबार दे विच उहनां नूं थां मिल गई कोई मिल गई वह अपने निज घर दे विच अपड़ गए पर जिहड़ा गुरसिख है उहदे मन दे विच तां होंदी है कदों उह समां आवे मैं अपना मनुखा जीवन सफर करके ते इत्थों संसार तों जावां उहनां दे मन दे अंदर वैराग रहिंदा है मन वैराग पया दर्शन देखने का ताओ धन सो तेरा थान आओ जिहड़ा वेखे रल के पंखी पढ़ी उपरंत जिहड़ा दे याद करना दर्शन देखने का ताओ दर्शन देखने का ताओ मन बैराग बया मन बैराग बया दर्शन दे जीवन बारे ज्ञानी फतेह सिंह जी ने बहुत डूंगा चक्कर लाता है जेडे पुराने बुजुर्ग बैठे ने उन्होंने वीर खालसा दल बारे बहुत वड्डा ज्ञान है ये बिल्कुल सच्चाई है वीर खालसा दल एक वखरी पहचान होती सी नगर कीर्तन दे विच जिवें आपां अनंदपुर साहब के अलौकिक नजारे देखते हाँ कि घोड़े जिस तरह मैदान के बीच नगर कीर्तन के बीच आते हैं तो सारा में चाह होती है कि घोड़े हम अपना किवें दिखाएंगे एक वखरी पहचान होती है एक सारे नगर कीर्तन की शान होती है उवें ही अगर लुधियाणे दे आपां नगर कीर्तन की गल करिए पहचान वखरी होंदी सी दाजी दा एक वखरा रुतबा होंदा सी किवें सारा नूं टेंशन करना मैं भी छोटा होंदा सी मैनूं भी मौका मिलिया कि चार बार पीर खालसा दल जाण दा दाजी ने मैनूं प्रेर के लैके जाणा उदों मैं सिद्ध समझ रुमाल बंदा सी मेरे मन नूं बड़ी घर खुशी होगी कि मैं भी अज पीर खालसा दल दे विच परेड करके दाजी दे नाल आया हाँ सारे परिवार को समेटिया होया हरेक दे नाल प्यार दिलों भावना दे नाल सबना सत्कार करना गुरु घरां दे विच हाजरियां भरनियां उन्हां दी मनो ही वखरी ही भावना सी देखो जदों सानूं सारा शरीरी विछोड़ा दे के गए हन कोई गुंज नाम की चीज भी नहीं आई जे आप 87 साल की उम्र के गल करिए कोई 10 दिन या 15 दिन बीमार रहना कोई आप वड्डी गल नहीं कह सकते नहीं तो इस उम्र के बहुत ही दुख मिलते हैं जिवें उन्होंने सेवावां सी उन्होंने गुरु की कृपा करके तो उन्होंने परमात्मा ने कोई भी उन्होंने दुख नहीं दिता आप आई हुई सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद है उचेचे तौर पर धन्यवाद ज्ञानी फतेह सिंह जी भाई साहब भाई हरदीप सिंह जी इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद आप जी ने शब्द पढ़ते हैं गुरबाणी के फरमान दिते हैं उसके प्रति पढ़ी है भाई साहब ने कर कृपा कृपाल आपे बख्श लै सदा सदा जपी तेरा नाम सतगुर पाएगा ये ऐसा पंक्तियां हैं जो जिंदे जी भी बंदा पढ़ता है गुरु साहब को बाणी की दात मिलता है और जलो चल जाता है प्राणी तो उदो फिर भक्ति पढ़ता है कर कृपा कृपाल आपे बख्श लै गुरबाणी साड़ी ऐसी साड़ी झोली गुरु साहब ने पाई हुई है जो भी पंक्ति पढ़िए साडे दिमाग के बीच साड़ी झोली के बीच एक वक्रा सानू सिखन मिलता है सारी संगत के चरण में बेनती है साढ़े बारह तो डेढ़ बजे तक अंतम अरदास जो गुरुद्वारा
श्री गुरु सिंह सभा मड़ोदरा विखे होगी, उस भी सारी संगत के पहुंचने की कृपालता करनी है। हम मैं बेनती करता मेरी भैन बबरी देवी, परमजीत भाभी, जोगिंदर कौर सिस्टर मेरी, इन्होंने चरणा बेनती है गुरु महाराज जी ने चाह के गुरु घर की बख्शीश लैंगे। बेनती करता मैं जी तंडे को आके गुरु घर की बख्शीश देंगे। अपने दे वे दिल को बेनती करता गुरु घर के जो बख्शीश है इन्हें मेरिया भाभी भैन देंगे। आओ दीदी को बेनती है भाभी परमजीत कौर को, जोगिंदर कौर को बेनती है गुरु महाराज जी चाह के गुरु घर की बख्शीश लैंगे। वही है पत्ते वही है डाली डाली। रागी सिंघां वल्लों कीर्तन दी हाजरी लगवाई अते आईआं होईआं समूह संगतां नूं उस परम पिता परमात्मा दे चरणां नाल जोड़िया। सरदार चावला हुणां दे शरधांजली समागम दे मौके ते वड्डी गिणती विच संगतां तों इलावा कई समाजिक, राजनीतिक अते धार्मिक जथेबंदियां दे आगूआं ने शिरकत कीती अते परिवार नाल दुख सांझा कीता। Yeah.
जोर सके आप जी का नाम सतनाम वाहे गुरु जपै तारा संत ने गुरु ने गुरु के नाम की सेवा की गई का प्रमाण करो दास ने फिर सुनाया अरदास जिस के जन अरदास सो खजाने भरपूर करने हुक्म बख्श के संतान निहाल करो हुक्म दे जन्म की बरकती बख्शनी से ही प्यारे पेर जिन्ना बने अंदर नाम चिता बजार सूरत महला पंजवां परमेश्वर दिता बना दुख रोग का डेरा पना आनंद कर है हर नारी हर हर प्रभ कृपा सगली जंत मिटाई दयाल पुरख मेरवाना हर नानक साच वखाना तुरकी बाणी आई तिन सगली जंत मिटाई दयाल पुरख मेरवाना हर नानक सा वाहिगुरु जी का हमेशा वाहिगुरु जी की फतेह। अज अपन सारे सरदार करतार सिंह जी चावला उन्हां दी अंतम अरदास ते सारे इकट्ठे हो उन्हां दा जीवन जिन्हें भी प्राणी बैठे हो तकरीबन सब जानो हो जी पाकिस्तान को आए एक मेहनत करके फल फ्रूट दी रेड़ियां लगा के अपने बच्चों वास्ते दिन रात मेहनत करके बच्चों को बहुत बड़े पद्धर के बिजनेस तक पहुंचाया। आज परिवार से गुरु महाराज की बहुत ही अपार कृपा है। इस अलावा समाजिक सेवावां वीर खालसा दल एक ऑर्गेनाइजर के तौर पर बहुत लंबा समा सेवा की है। जवानी तो लैके बुढ़ेपे तक आप कह सकते हैं और पूरे जोश के नाल अज 20 साल के मुंडे भी उन्हें जोश से भी सेवा नहीं कर सकते जिमें वो वीर खालसा दल के पूरी अगवाई करते करीम प्रभ साहब चेयरमैन गुरद्वारा अकालगढ़ साहब के ट्रस्टी माता गुजरी चैरिटेबल हॉस्पिटल के इंचार्ज उस अलावा समाज की सेवा जो कि बहुत ही वड्डे पद्धर ते कीती है। मेरे सारे वीर बैठे अकाली दल के आगू जो भी किसी तरह का काम होना अक्सर गरवाल साहब के घर पहुंचना अक्सर गाबिया साहब को पहुंचना अपने काम नहीं होंगे सी लेकिन समाज सेवा के काम के बीच पहुंचते सी बहुत वधिया जीवन निभाया है। फिर गुरु महाराज की इन्नी कृपा रही 87 साल की उम्र तक भी कोई शरीर में तकलीफ नहीं सी कि होया जो 10 या 15 दिन बैड के उपर कटे तो इस गल आप कुछ ये नहीं कह सकते
भी कोई दुखा की घड़ी के विचों गए हैं। बड़ी गुरु वर्ग कृपा रही है आप आई हुई संगत का परिवार वालों तह दिलों धन्यवाद है जो दुख की घड़ी के आप सारी संगत पहुंचे हो। हूँ मैं बेनती करता सरदार अमरजीत सिंह जी चावला जी गुरु महाराज हजूरी च आके जो गुरद्वारा साहब को दस्तार दी जानी है गुरु महाराज हजूरी च आके लैणगे। बेनती करता सरदार जिंदर सिंह जी राजन कोई महाराज हजूरी च आ जाओ गुरु घर की बख्शीश लैणगे। सरदार अमनप्रीत सिंह उन्होंने चरणों की बेनती है वह भी गुरु महाराज हजूरी च आके गुरु घर की बख्शीश लैणगे। बोले सोने शब्द गुरु
धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की मिठी अ प्यारी गोद में बैठ के बहुत ही सियाने बहुत ही सूझवान वडेरे तजर्बे के मालक पंथक दर्दी सलाह करतार सिंह जी चावला जी की आत्मक शांति की अरदास शमूलियत कर रही सत्संग जी अदब अते सत्कार फतेह संत करिए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गबड़े साहब तुम आकर आप ही तबाह कर लो। मैं अपने उस विछड़े हुए दोस्त को श्रद्धा के सत्कार भेट करता हूँ जो वडमोलिया सेवावान उन्होंने पंथक सभा में कीतियां ने गबड़े सभा में आज आगे बने आगे कटा लो दस्तान दे दिया जो पंथक सेवावान उन्होंने कीतियां उन्होंने वर्णन कर लगी है कि बहुत बड़ा लंबा सभा लगेगा। चाहे वह अकाली दल दी कॉन्फ्रेंसा सी चाहे वह गुरु रामदास साहब जी की शताब्दी श्री अमृतसर साहब सी चाहे दिल्ली में गुरु तेग बहादुर साहब की शताब्दी सी घंटा बजा उन्होंने लैके अपने दोस्तों मित्रों प्रेरित करके उठे दिया उन्होंने गतिविधियां सी उन्होंने बहुत वही शान बधाई। तो मैं श्रद्धा सत्कार भेट करता हुआ गाबड़िया साहब को बेनती करा कि मास्टर तारा सिंह कॉलेज अकालगढ़ साहब गुरद्वारा गुरद्वारा सब्जी मंडी अते वीर खालसा कॉलेज वालों जिते श्रद्धा सत्कार भेट करेंगे उत्थे संतां दा धन्नवाद अपने बहुत ही रंगले सजन कहनी के गाली के पूरे पंथ दिया महान सभा में कम करने वाले जिंदगी का वड्डा हिस्सा श्रोमणी अकाली दल की सभा में चलाने वाले सरदार करतार सिंह जी चावला साहब को अपनी दिल दी गहराइयों में जिते श्रद्धा के सत्कार भेट करने वास्ते आए हैं उसे सतगुरु के चरणा च अरदास बेनती करने वास्ते भी आए हैं। मेरे तो पहला बाबा जी ने बड़े विस्तार में दसा कि सरदार करतार सिंह चावला कौन सी है। सरदार करतार सिंह चावला 88 साल की उम्र के उस सदीवी छुड़ा दे गए हैं लेकिन 88 साल की उम्र के तकरीबन 70 साल उन्होंने पंथ दियां सभा में गुजारे माड़े समय भी देखे चंगे समय भी देखे। सरदार करतार सिंह जी चावला ओले बनना ही औखा जो आप पाकिस्तान तो उजड़ के आए हैं कारोबार नहीं सी अपने जिमें मेरे तो पहला दसा गया किसी ने फ्रूट की रेहड़ी लाई किसी ने कोई कारोबार किया किसी ने कोई कारोबार किया पर सरदार करतार सिंह चावला फरूर का काम भी किया उस वे साध भी थोड़े सी इनकम भी घट सी गई पैसा भी घट सी फ्रूट खराब ज्यादा होया केलिया का व्यापार करते थे केले तैयार थे उधर पंथ का हुक्म आ गया कि प्रोग्राम से जाना है एक पासे केले तैयार थे दूजे पासे पंथ का हुक्म उन्हें परिवार नालों कारोबार नालों पंथ में फैल देती कहते कोई गल चलो पंथ का हुक्म आ गया आप पंथ के काज नहीं जाना अजकल भी आते ने लोग श्रोमणी अकाली दल हो कोई पार्टी हो कुछ लैन वास्ते आते देन वास्ते कोई नहीं आता लेकिन वो मनुख जे देन वास्ते आते हौली हौली तुरे जा रहे हैं। तो इस करके सरदार करतार सिंह चावला मैं उन्होंने बच्चों को जरूर बेनती करा पीढ़ी जरूर रखा आने वाली पीढ़ियां जड़िया पीढ़ी समझ पीढ़ी कौन सी पीढ़ी का मतलब क्यों सी पीढ़ी ना जो पिया औखे समय श्रीमान पंथ रतन मास्टर तारा सिंह जी ने वीर खालसा पैदा किया वीर खालसा दल वीर खालसा दल मोड़ दिया कतारा कम करता
सेवा के सिमरन के पीटीओ वीर खान साहब का अगुवाई करते हैं, तो इस करके अज वह साडे विच नहीं हैं, पर उन्हां दीआं जो पैड़ां पाईआं ने सानूं जरूर पढ़नियां चाहीदियां। हौली हौली उतरे जा रहे ने जिन्हां ने कुछ करके विखाया। हुण कहण वाले बहुत मिलणगे तुहानूं बाल जी, कहण वाले बहुत मिलणगे, करन वाले बहुत घट, करन वाले कदे कदे मिल जाणगे कि भुलेखे नाल ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਉਹ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਤੇ ਪੰਥਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਰੱਖੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਛੜਦੇ ਨਾ ਤੇ ਪਛੜ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਆਏ ਨੂੰ ਟੋਕ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਰੇ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਟੋਕ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਟੋਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਇਸਕੋ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਣੀ। ਗਾਬੜੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਡਮੁੱਲੀਆਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨੇ, ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਨੇ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਦਲ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਬਦਲਦੇ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨੇ ਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ, ਮਰਦ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਮਾਨੇ ਕੋ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਪਾ ਦੇਣ, ਵਿਸਰਨਾ ਹੀ ਲਟਾਲ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਵੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨਾਮ ਚਾਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਸ਼ਲ ਵਪਾਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਲਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਕਰੀ, ਫਿਰ ਆਪ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।